चिराना कस्बे में पहाड़ी पर स्थित गढ़ बालाजी धाम पर होने वाले 3 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव का शुभारंभ निशान यात्रा के साथ हुआ। बजरंग रथ सेवा समिति के तत्वाधान में सीकर रोड स्थित गणेश मंदिर से गढ़ बालाजी धाम तक संजीव सिंगारिका झांकियों के साथ शोभा यात्रा व निशान यात्रा जयकारे के साथ निकाली गयी। मारवाड़ दर्शन के गदारा गांव में अखिल भारतीय छत्री सरगरा समाज सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इस सामूहिक विवाह आयोजन में 15 नवविवाहित जोड़े पहले सूत्र के बंधन में बंधे। कोरबा लोकसभा से बसपा प्रत्याशी परमीत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पर आरोप लगाया कि सांसद होते चरणदास महंत खजाना खोजते रहे और मेडिकल कॉलेज बनने का सपना दिखाते रहे, वहीं बाद में मोदी पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री जी आए थे जो कि पुलवामा में और आपका सेना को लेकर जो वोट मांग रहे हैं, तो क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन है? देखिए, दोनों पार्टी डरी हुई, चरणदास महंत जी पिछली बार 5 साल सांसद थे और राज्य मंत्री भी थे उसमें, तो उन्होंने बड़े बड़े वादा किया था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ खजाना खोदने का काम किया। तो क्या चरणदास महंत जी जो कि जहांगीर चापा के हैं और जब उनकी मैडम ज्योत्सना महंत जी खड़ी हुई है वो भी बाहर से, मैंने कोरबा लोकसभा से बाहर से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनका जनाधार रहेगा या कोई ऐसी बात रहेगी, वो भी खजाना खोदेंगे क्या? कंटालिया ग्राम मारवाड़ जसन का सबसे बड़ा और घना आबादी वाला ग्राम होने के उपरांत भी कई समस्याओं का सामना कर रहा है। दरअसल गांव में एक एटीएम है, वो भी खराब है। आपको बता दें, गांव में ज्यादातर व्यापारी हैं जो कई प्रदेशों में अपना व्यापार करते हैं। धौलपुर में बॉडी बिल्डर दीपक सिंगल की हत्या करने का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि लाठी डंडा से पीट पीट कर हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 5 दिन बाद हत्या के मुख्य आरोपी को हाथरस से गिरफ्तार किया, वहीं अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव 2019 को लेकर व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता स्वीप अभियान के तहत आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करने जिला कलेक्टर सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन की व्यापक सहभागिता एवं अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गयी। यूपी के चंदौली जनपद में एक युवक के कुएं में गिरने से हड़कंप मच गया। मौके पर जुटे आसपास के लोगों ने युवक को कुएं से निकालने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। वहीं दर्जनों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से युवक को कुएं से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। रात करीब 8 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि जसरी गांव में एक लड़का कुएं में गिर गया है और तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार जी का भी फोन आया। उसका तत्काल मैं जो हूँ वहाँ मौके पे पहुंचा हूँ और फायर ब्रिगेड और जो इंस्पेक्टर चंदौली थे और पब्लिक सबके सहयोग से एक रेस्क्यू किया गया और चारपाई में बांध करके उस बच्चे को उसके पिताजी को पिताजी बाद में कुएं में उतरने का प्रयास करके उतर भी गए थे कुएं में, लेकिन हम लोगों ने मिलकर के एक रेस्क्यू किया और सकुशल सबको बाहर निकाला है। बच्चा बिल्कुल बच गया है। 27 साल का रोशन सिंह जसरी गाँव का रहने वाला है वो, और उसको जिला अस्पताल से ट्रांसफर करा करके ट्रामा सेंटर एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया है। बाकी वो कुएं में कैसे गिरा था उसकी जांच और विधिक कार्रवाई अलग से की जाएगी।